Hello friends, welcome you all in Knowledge Center Computer. In this video, we are going to discuss one important property of CSS, that is border property. And video number 4, we will discuss complete information with practically what is the border property and how we can apply the border property in CSS HTML pages. So without wasting time, we are going to discuss what is border. So what is CSS borders property? The CSS border is a shorthand property used to set the border of an element. किसी भी एलिमेंट के अगर आगे अब आपको बॉर्डर लगानी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के मुझे अगर बॉर्डर लगानी है लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर. सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑफ CSS in any HTML web page. So the CSS border property are used to specify the style, color and size of the border of an element. तो क्या क्या हम mention कर सकते हैं border के अंदर? Style उसकी, color and size. CSS border properties are given below. Border style, border color, border width and border radius. These 4 topics we are going to discuss in details in this video. So first of all, CSS border style. CSS border style kya hota hai, kaun kaun si style CSS mein available hai. So the border style property is used to specify the border type which you want to display on the web page. There are some border style values which are used with border style property to define a border. Different types ki borders aap apply kar sakte hain by using border styles. Kaun kaun se style apply kar sakte hain? Is table mein aap dekh rahe honge, ya to aapko border, koi bhi border nahi chahiye. Dotted border ho chahiye, dashed border honi chahiye, solid border ho sakta hai, double border ho sakta hai, groove type ki border ho sakti hai jo 3D groove mein aata hai, ridge टाइप की हो सकती है, इनसेट हो सकती है एंड आउटसेट हो सकती है. ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज बॉर्डर प्रॉपर्टीज है, जो टाइप है बॉर्डर का, हम 9 प्रॉपर्टीज है, हम 9 को अप्लाई करके यहाँ देखेंगे. यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे पी टैग यूज करते हुए एक क्लास बनाई है और क्लास में लिखा है जो उसकी टाइप है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो वैल्यूज या मैंशन थी, मैंने यहाँ लिखा है नन, डॉटेड, डेस्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रेज, इनसेट, आउटसेट एंड हिडन, जितने भी वैल्यूज थे हमने यहाँ मेंशन कर दिए और यहाँ पे लिखा है कि किस टाइप की बॉर्डर है. तो जो बॉर्डर आएगी, ये लिखा हुआ आएगा, जैसे नो बॉर्डर लिखा हुआ आएगा, इसके ऊपर क्लास लिखी हुई है नन और इसकी प्रॉपर्टी में लिखी हुई है बॉर्डर स्टाइल नन. फॉर एग्जाम्पल ये डोटेड बॉर्डर ये लिखा हुआ है, स्टाइल डोटेड, तो इसके चारों तरफ डोटेड वाली बॉर्डर आ जाएगी ताकि हम समझ पाएंगे. तो हम कोड को नोटपैड में कॉपी करते हैं और जैसा आप यहाँ नोटपैड में देख रहे हैं कि कोड यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है वही कोड लिखा है, सॉलिड बॉर्डर है. तो 4th नंबर पे आप देखिएगा पी डॉट सॉलिड, क्योंकि पैराग्राफ टैग के ऊपर मैंने यह स्टाइल टैग यूज किया है और सॉलिड इसकी क्लास है जिसमें मुझे लिखाइए बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू सॉलिड. तो अगर आपको किसी की बॉर्डर लगानी है तो आपको लिखना होगा बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू विच टाइप ऑफ बॉर्डर यू वॉन्ट टू अप्लाई. सेव दिस फाइल एंड एग्जीक्यूट ऑन वेब पेज. और जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिएगा लिखा हुआ नो बॉर्डर, ए डोटेड बॉर्डर, ए डेस्ड बॉर्डर, ए सॉलिड बॉर्डर, ए डबल बॉर्डर, ए ग्रूव बॉर्डर, रिज बॉर्डर एंड इनसेट बॉर्डर, आउटसाइड आउटसेट बॉर्डर. आप देखेंगे इनमें डिफरेंस देख पाएंगे. और एक हिडन बॉर्डर, यहाँ जो बॉर्डर है वो हिडन है. आउटसेट बॉर्डर आउटसाइड की तरफ डार्क है, इनसेट में ऊपर की जो बॉर्डर है वो है. रिज बॉर्डर दोनों बॉर्डर्स की देखिएगा, ग्रूव बॉर्डर में मेंशन अलग है, डबल बॉर्डर में डबल बॉर्डर्स आ रही है, सॉलिड बॉर्डर में जो कलर है बॉर्डर का वो सॉलिड में, ये डेस्ड बॉर्डर, ये डोटेड बॉर्डर है. इन दिस वे यू कैन अप्लाई 3, 6, 9 and 10 बॉर्डर टाइप यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सी दिस कोड ऑल्सो हियर. इन दिस वे वी कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर स्टाइल on a particular text. I think you have got it this. So we are going to start with next topic. Topic is CSS border width. अगर आपको ये borders जो दिख रही थी यहाँ पे, जो आपको borders web page पे execute हो रही थी, आपको इसकी width बढ़ानी है,
ये तो टाइप से कौन सी स्टाइल आप अपनाई ने, अगर आपने यहाँ पे इनकी बॉर्डर का विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर विड्थ, इट इज सेट इन पिक्सल्स, याद रखिएगा बॉर्डर विड्थ ऑल्सो मेंशन इन पिक्सल्स। यू कैन ऑल्सो यूज द वन ऑफ द थ्री प्रीडिफाइंड वैल्यूज थिन, मीडियम और थिक टू सेट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। नॉट, याद रखना है द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी इज नॉट यूज अलोन, कब यूज होगी, इट इज ऑलवेज यूज विथ अदर बॉर्डर प्रॉपर्टीज लाइक बॉर्डर स्टाइल। जब भाई बॉर्डर होगी तभी तो उसकी विड्थ आएगी ना, अगर आपने इस पे बॉर्डर ही नहीं लगा रही उसकी विड्थ आप बढ़ा रहे हैं तो मतलब ही क्या होगा। तो ये तो हमें याद रखना होगा, प्रॉपर्टी टू सेट द बॉर्डर फर्स्ट अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सो ये कोड है, आप कोड में आप देखिएगा मैंने लिखा हुआ है राइट योर टेक्स्ट हियर, राइट योर टेक्स्ट हियर एंड राइट योर टेक्स्ट, तीन स्टेटमेंट है, तीन पैराग्राफ्स हैं और इस पर क्लास लिखी है 1, 2 और 3। क्लास क्यों लिखी है, क्योंकि तीनों पैराग्राफ और मुझे तीनों पे अलग अलग तरह की बॉर्डर लगानी है। तो मैंने लिखा p.1 स्टाइल के अंदर जो क्लास है उसको मैंने पैराग्राफ में एक्सेस किया, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड बॉर्डर आनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए 5 पिक्सल। सेकेंड अब p2 जो पैराग्राफ 2 है उस पर बॉर्डर तो सॉलिड आनी चाहिए पर विड्थ होनी चाहिए मीडियम, और थर्ड वाली है बॉर्डर स्टाइल सॉलिड बट विड्थ आनी चाहिए 1 पिक्सल। हम कोड की बात करते हैं, नोट पैड में ये जो कोड अवेलेबल है वही कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, सेव किया है इस कोड को और ब्राउज़र में जाके मैंने सेकंड पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख पाएंगे डिफरेंस। ये बॉर्डर आ रहा है, स्टाइल है जो उनमें जैसा टेक्स्ट में हमने मेंशन कर रखा है सॉलिड आ रहा है। अगर हम सॉलिड की जगह यहाँ पर मान लीजिएगा मैंने ले लिया डबल बॉर्डर, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने मान लीजिएगा इसको फर्स्ट को चेंज कर देता हूँ। आप सेव किया है, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश द वेब पेज, आप देख सकते हैं बॉर्डर की पिक्सल आ रही है। यहाँ पे अगर मैंने 5 की जगह 15 पिक्सल किया है तो क्या होता चेक करते हैं, और सेव करके यहाँ पे जब रिफ्रेश किया है तो देख सकते हो बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई है। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई बॉर्डर एंड देन बॉर्डर के बाद में हम लिखा बॉर्डर की विड्थ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड वाली की बात करते हैं, देट इज बॉर्डर कलर, आपको बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देर आर 3 मेथड टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर, नेम, आपको कलर का नेम लिख सकते हैं, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन से जो कलर बनते हैं उसकी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, R की वैल्यू, ध्यान रखिएगा जब हम यहाँ वैल्यू पास करते हैं RGB में तो ये जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 255 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। एक गॉट इन माय पॉइंट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 65, 81 एंड 167, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कोई नया ना कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें है लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई कलर का हैश कोड भी दे सकते हैं, जैसे ब्लैक का कोड होता है 6×0, वाइट का कोड होता है 6×F विथ हैश की। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और अब लिखा हुआ देर इज ऑल्सो ए बॉर्डर कलर नेम ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर कलर का नाम है ट्रांसपेरेंट, इफ द बॉर्डर कलर इज नॉट सेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो ये कलर क्या करता है, इनहेरिट कर देता है, नॉट द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी इज नॉट यूज अलोन, डेफिनेटली जब आपने बॉर्डर ही नहीं लगाई तो उसका कलर कैसे आ सकता है, इट इज ऑलवेज यूज द अदर बॉर्डर प्रॉपर्टी लाइक बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टू सेट द बॉर्डर फर्स्ट अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। डेफिनेटली ये कोड लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है बॉर्डर स्टाइल और कलर भी यूज किया हुआ है। तो कोड पे चलते हैं, अब जो HTML का कोड नोट पैड में कोड आ रहा है वो ये कोड है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इनको कलर लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ रेड कलर लिखा है डायरेक्ट और यहाँ पे हैश कोड लिखा है और मेरी वैल्यूज है सॉलिड। सो एग्जीक्यूटिंग वेब पेज आफ्टर सेविंग दिस, आप जब सेव करके देखेंगे तो इसकी जो बॉर्डर आ रही है वो देखिएगा रेड आ रही है और दूसरे का ग्रीन आ रही है। अगर मैं यह कोड में चेंज करूं, यहाँ पे मैंने रेड की जगह लिख दी है, इस नीचे ग्रीन आ रहा है तो मैं कर देता हूँ येलो कर दूं, येलो और सेव किया और यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं येलो कलर की बॉर्डर दिख रही होगी आपको। तो इस तरह से हम बॉर्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, बॉर्डर की स्टाइल कौन कौन सी है, विड्थ हमने किया और कलर। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस बना पाएंगे। देखिएगा
The CSS property set the rounded border and provide the rounded corner around an element text. आपने देखा होगा कई बार, मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसके मुझे बॉर्डर लगानी है, मैंने ये बॉर्डर बना दी और ये बॉर्डर बन गई। जो ये बॉर्डर बनी है ये आप देख रहे होंगे स्क्वायर में बनी है। कई बार बॉर्डर मुझे ऐसे बनानी होती है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। राउंड में बॉर्डर दिख रही है आपको, ये राउंड में ऐसे बॉर्डर भी हम राउंड की बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो इनकी राउंड में जो बॉर्डर्स बनाते हैं उनके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, द सी एस एस प्रॉपर्टी सेट द राउंडेड बॉर्डर एंड प्रोवाइड द राउंडेड कॉर्नर अराउंड एन एलिमेंट टैग और डिवीजन डिव टैग और डिव द इट डिफाइन द रेडियस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट। हम रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, इट इज शॉर्ट हैंड फॉर द बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉटम रेडियस एंड लेफ्ट रेडियस। इसका मतलब हो गया ये जो टॉप लेफ्ट है, ये टॉप राइट है, ये बॉटम राइट है और बॉटम लेफ्ट है। आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगर मैं इसकी मेरी स्क्रीन की बात करूँ तो दिस पोर्शन जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, इसको बोलेंगे टॉप लेफ्ट, इसको बोलेंगे टॉप राइट, इसको बोलेंगे बॉटम बॉटम राइट एंड इसको बोलेंगे बॉटम लेफ्ट। इट गिवज अ राउंडेड शेप टू द कॉर्नर ऑफ द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। वी कैन स्पेसिफाई द बॉर्डर ऑफ द ऑल फोर कॉर्नर ऑफ द बॉक्स इन ए सिंगल डिक्लेरेशन यूजिंग द बॉर्डर रेडियस। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइन इन परसेंटेज और लेंथ यूनिट्स। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हम पास करेंगे वो हम पास करेंगे परसेंटेज और लेंथ यूनिट्स के अंदर। सो द सी एस एस प्रॉपर्टी इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दैट टेबुलेटेड एज बिलो। आप देखिएगा प्रॉपर्टीज में क्या था, टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राइट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट। समझ में हो गया आपका, ये दोनों बॉटम की राइट और लेफ्ट है, ये राइट है बॉटम का और ये बॉटम का लेफ्ट है, ये टॉप का लेफ्ट है और ये टॉप का राइट है। आई थिंक गॉट इट। सो इफ द बॉटम लेफ्ट वैल्यू इज ओमिटेड देन इट विल सेम एज द टॉप राइट, टॉप राइट। ये कह रहा है इफ द बॉटम लेफ्ट वैल्यू इज ओमिटेड, अगर आपने देना भूल गए ये वाली वैल्यू जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो टॉप राइट की वही वैल्यू जाएगी, सॉरी यहाँ पे टॉप राइट की वही वैल्यू जाएगी। और ये कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ बॉटम राइट, बॉटम के राइट की वैल्यू अगर आप भूल एलिमिनेट निकल दी देन द इट विल बी सेम एज द टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट है। तो ये जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उसके आप ऐसे वर्क करेगा, ये डायगनल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये डायगनल यहाँ पे आ गया और ये डायगनल यहाँ से यहाँ पे वर्क करा। सिमिलरली इफ टॉप एलिमेंट राइट इज एलिमिनेट देन इट विल बी द सेम एज द टॉप लेफ्ट। लेट्स सी द है व्हाट हैपन व्हेन द प्रोवाइडेड सिंगल वैल्यू टू वैल्यू थ्री वैल्यू फोर वैल्यूज द प्रॉपर्टी। तो क्या क्या लिखा हुआ समझिएगा, बहुत जरूरी है। इफ वी प्रोवाइड ए सिंगल वैल्यू सच एज बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल टू दिस प्रॉपर्टी इट विल सेट ऑल कॉर्नर इन द सेम। अगर आपने एक ही वैल्यू दी है तो ये क्या करेगा, सबको सेम कॉन्फिगर कर लेगा चारों कॉर्नर्स की। वेन वी स्पेसिफाई टू वैल्यू सच एज बॉर्डर रेडियस 20 and 10% then the first value will be used for the top left and bottom right corner and second will be used for the top right this one and bottom left corner। I think समझ में आ गई होगी, जैसा हमने पहले बात करी थी इसको हम सब ऐसे कैलकुलेट करते हैं और इसमें यहाँ कैलकुलेट करते हैं। When we use three values such as border radius 10, 30 or 20% then the first value will be used for the top left corner, the second will be applied on the top right corner and bottom left corner and right corner की automatic value कैसे apply होगी, जो third value होगी उसको value apply कर लेगा। Similarly when property has four values 10, 30, 20 and 40 then the first value will be ready the top left, then second will be used for the top right, then third will be applied on the bottom right and fourth will be used on bottom left। तो आप समझ गए होंगे, this one first, this one second, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, this one one, this one two, ये order follow करता है, ये three number है और ये four number है। I think समझ में आ गया होगा, इस तरह से ये चारों काम work करेंगे। So आगे बात करते हैं syntax की, syntax कैसे लिखेंगे हम, border radius 1/4 लेंथ में से आपको सेकंड 1/4 लेंथ, थर्ड इनहेरिट और इनिशियल, ये आपको वैल्यू भी समझ में जाएगी। प्रॉपर्टी वैल्यू समझिएगा, लेंथ इट डिफाइन द शेप ऑफ द कॉर्नर, इट डिनोट द साइज ऑफ द रेडियस यूजिंग लेंथ वैल्यू, इट डिव द इट्स डिफॉल्ट वैल्यू जीरो,
इट डज नॉट अलाउ नेगेटिव वैल्यू। ध्यान रखिएगा जो आप लेंथ दे रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और परसेंटेज में आप वैल्यू मेंशन करेंगे कि आप कितने परसेंट वैल्यू मेंशन है। जैसा आपने यहाँ देखा होगा कि हमने ये कहा था कि जब भी आप वैल्यू देंगे वो परसेंटेज और लेंथ में लिखेंगे, इसलिए ये यहाँ पे सिंटेक्स में मेंशन कर रहा है कि जब भी हम वैल्यू देंगे वो या तो लेंथ में होगी या परसेंटेज के अंदर होगी। आई थिंक गॉट इट। तो ये एग्जाम्पल है, नोटपैड में ओपन करते हैं इसको, और नोटपैड में आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ ड्यू टेक बना लिया। ड्यू टेक क्या होता है, ये नया टॉपिक है आपके लिए। मैंने यहाँ चार सेक्शंस बनाए हैं, देखिएगा ये चार सेक्शन बना लिए ड्यू। एक इसका मतलब वो क्या होता है, एक स्क्रीन की चार पार्टीशंस कर लिए हैं, और इसकी आईडी है 1, 2, 3 एंड 4। इनके सबके अलग अलग आईडी मैंने मेंशन करी है, और ऐसे ड्यू के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्टाइल यूज करी है कि जो भी ड्यू है ड्यू के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके अंदर पी के ऊपर ये है, 1 के ऊपर हैश आईडी पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, और 4 पे ये है। तो इस तरह से मैंने सीएसएस अलग अलग सेक्शन करी है। यहाँ पे देखिएगा पी जो टैग आ रहा है उसके ऊपर बॉर्डर रेडियस आपने मेंशन कर रखा है यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के थ्रू, और जो यहाँ पे ड्यू टैग है उसकी आप देखिएगा मैंने यहाँ मेंशन किया है बॉर्डर रेडियस 90 पिक्सल, 25 एट 10%, 35 10 EM एंड 10%, 50 पिक्सल्स, 50% 50 सेंटीमीटर एंड 50 mm। जब ये चारों को मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखिएगा फर्स्ट की कॉर्नर्स की वैल्यू ऐसे आएगी, सेकंड में जो वैल्यूज की थी दोनों को रेडियस में, दोनों में यहाँ सेक्शंस में काम किया, फर्स्ट हमेशा कैलकुलेट होता है। जो थर्ड वाला ऑप्शन था उसमें इन्होंने सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर को कैलकुलेट किया जब 35 पिक्सल एंड 10% था, और जब यहाँ पे फोर वैल्यूज मेंशन करी थी तो इसमें वेलकम टू दी नॉलेज सेंटर कंप्यूटर .com लिखा हुआ, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, 50%, 50 सेंटीमीटर, 50 EM। तो इस तरह से हमारे यहाँ चारों कॉर्नर्स ये क्रिएट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर रेडियस बॉर्डर अप्लाई करना है तो कौन सी बॉर्डर स्टाइल क्या होती है, एंड बॉर्डर स्टाइल के बाद में हमने पढ़ी बॉर्डर की कलर, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस। चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, स्टाइल कौन सी हमने अप्लाई करी है, कलर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, विड्थ कैसे कर सकते हैं, और रेडियस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक गॉट इट यू ऑल। सो ये चारों टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो गए हैं, ये चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिगार्डिंग बॉर्डर प्रॉपर्टी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।